आ गया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जाहित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्री प्रसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु ये गुंडिचा मंदिर मार्जन उन्होंने क्यों प्रारंभ की है, भगवत मंदिर में झाड़ू लगाने का कितना महिमा। कहते अनजान में भी आपको पता नहीं ये भगवान का मंदिर है, किसी तरह से मंदिर का अगर आप साफ कर दिया तो कहते आपका हृदय मंदिर साफ हो जाता है। पद्म पुराण में कथाया एक समय कोई एक दुष्ट एक वेश्या को लेकर के मंदिर में एक जंगल में गया, उसको पता नहीं ये भगवान विष्णु का मंदिर है। वो मंदिर पड़ा हुआ था गंदा, वो गलत काम करने के लिए उसने वो मंदिर को उसने साफ किया और गलत काम किया, लेकिन भगवान उसको किया अगली जीवन में उसको राजा रूप में जन्म दिया। वो राजा उसको पूर्व जन्म की बात याद था, वो क्या करता था एक विष्णु मंदिर में जाकर के रोज रोज मंदिर में पोछा लगाता था। किसने पूछा तू राजा होकर के तो ये भगवान के मंदिर में रोज झाड़ू क्यों लगाते हो, पोछा क्यों लगाते हो? उसने कहा मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है। बोले क्या याद है? बोले मैंने भगवान विष्णु मंदिर में गलत काम किया, मेरे को पता ही नहीं था हाँ ये भगवान विष्णु मंदिर, लेकिन वो मंदिर को मैंने साफ सुथरा कर गलत काम किया, लेकिन भगवान मेरी गलत चीज को नहीं देखा और भगवान मेरे को राजा बना दिया। अनजान में अगर भगवत मंदिर परिष्कार करके अगर ये फल मिलता है, अगर कोई भक्ति और भावना को साथ में अगर कोई मंदिर साफ करे तो भगवान उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए श्री अम्बरीश महाराज हैं कदे सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुति चकार अच्युत सत कथा। तो इसलिए अम्बरीश महाराज क्या करते थे, राजा होते हुए भी
अपना हाथों से भगवत मंदिर को परिष्कार करते थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा देने के लिए, अगर हम अपना हृदय रूपी मंदिर में भगवान को बैठाना चाहते तो क्या करो, पहले अपना हृदय रूपी मंदिर को हमें साफ करनी चाहिए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु वो जो मंदिर मार्जन सेवा, झाड़ू लगाने का सेवा महाप्रभु मांग करके दिया। लेकिन हम हर समय क्या चाहते हैं, हम बड़े सेवा करेंगे, हैं हम बड़े सेवा करेंगे, हम थोड़ी छोटे हैं, ये तो छोटे मोटे सेवा है। नहीं, भगवान की सेवा में कोई छोटे मोटे नहीं होता, बल्कि जितने भगवत सेवा में छोटे से छोटे सेवा करेंगे, भगवान का जो कृपा है ना उसको ऊपर में उतना होता है, उतना होता है। इसलिए हमें छोटे से छोटे सेवा में करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ये सेवा को मांग करके लिए। जब उन्होंने बोले हैं, वहाँ परीक्षा एक होते हैं, जब बोले हम चाहते हैं इस साल, हर साल तो आप नौकरों को द्वारा मंदिर साफ करवाते हो, लेकिन हम चाहते हैं इस साल हम अपना भक्तों को लेकर के हम मंदिर साफ करेंगे। बोले ये राजा से आदेश लो। इतने में परीक्षा वहाँ के जो पंडित लोग बोले पहले ही राजा ने आदेश दिया है, महाप्रभु की हर इच्छा पूर्ण होनी चाहिए हैं, क्योंकि वो स्वयं जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया, इंद्रदुम्न महाराज, अभी श्री प्रताप रुद्र महाराज रूप में आए, जगन्नाथ जी की ये नित्य सेवक है, और वही जगन्नाथ ही अभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। बोले महाप्रभु की हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए। जब उन्होंने ये सेवा को मांग करके लिए, बोले कल हम सबके सब गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए जाएंगे। एक दिन पहले बोले सुंदर सुंदर घड़ा मंगवाओ, 100 घड़ा मंगवाए, हाँ पट मंगाए, और 100 झाड़ू मंगवाए। मंगवा करके अभी सवेरे सवेरे मंदिर मार्जन करने के लिए जा रहे हैं। जब जा रहे थे, महाप्रभु स्वयं अपना हाथों से जो गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए जा रहे थे, महाप्रभु सबको गला में माला पहनाया, सबका सर पर चंदन लगाया। बोले क्यों महाप्रभु, क्यों सबकी गला में माला पहनाया, उनको चंदन क्यों लगाया? बोले ये गुंडीचा मंदिर मार्जन नहीं, ये हृदय रूपी मंदिर है। जो व्यक्ति अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ करके अपना हृदय में श्री श्याम सुंदर को बैठाना चाहते हैं, महाप्रभु शिक्षा देते हैं, मैं भी उनको गला में माला पहनाता हूँ और मैं भी उनको में चंदन लगाता हूँ। महाप्रभु खुश होते, प्रसन्न होते, तुम अपना हृदय में ठाकुर जी को बैठाओगे, भगवान को बैठाओगे। अभी महाप्रभु भक्त लोगों को साथ में गए गुंडीचा मंदिर में, जा करके पहले झाड़ू दे करके पहले झाड़ू लगाए, हैं झाड़ू जब लगाए पहले क्या निकलता है, कि जितने धूल निकलेगा, हैं कहते ये धूल किया है महाप्रभु, ये धूल को निकाले, उसको बाद में जो कंकड़ था उसको भी निकाले, उसको बाद में फिर उनने पानी मंगवाए, पानी को द्वारा उनने साफ करवाए, हैं साफ करवाए, उसको बाद में जो छोटी छोटी दाग रह गया, महाप्रभु अपना कपड़े से पकड़ करके कपड़े से उसको घीस घीस करके महाप्रभु उसको निकाले, हैं कहते पहले धूल निकाले, करे धूल कंकड़ ये सब किया है। बोले हमारा हृदय में बड़े बड़े गंदगी पड़ा हुआ, आवर्जना पड़ा हुआ है, धूल कंकड़ पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये धूल किया, कंकड़ किया, और ये पानी किया, और वो कपड़े दे करके उसको घीस क्यों रहे, इसका रहस्य बताए। बोले अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो, पहले ये चीज को निकालो। बोले वो चीज किया है, तब तो प्रभुपाद कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। कहते उत्तमा भक्ति क्या है, भगवान कैसे जीव को पर प्रसन्न होते हैं, भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करना। बोले कैसे प्रसन्न होते हैं, बोले पहले अन्याभिलाषिता शून्यम, बोले अन्याभिलाषिता मतलब बोले कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और जितने हमारे हृदय में इच्छा
सारी इच्छा को हमें दूर कर देनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं न धनम, हमें धन नहीं चाहिए, न जन्म, हमें जन नहीं चाहिए, न कविता, हमें पांडित्य नहीं चाहिए, न सुंदरी, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतुकितोई। हे प्रभु, आपके चरण में जन्म जन्मांतर तक अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति, हमें केवल निष्काम भक्ति चाहिए। इसलिए कहते अन्याभिलाषिता शून्यम। बोले क्यों? बोले जो जीव वो कौन है? बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम लोग भगवान की नित्यदास है। तोद्वृत्त भृत्यस्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, हम भगवान की सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक हमें है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतो पद कमलो दास दास दासानुदास, हम गोपियों के जो भरता जो भगवान कृष्ण उनका दासों का दास हमें, हमारी यही धर्म है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक भगवान हमारी सेव्य है। जीव का केवल यही धर्म, जीव का और कोई धर्म नहीं, यही केवल धर्म है। इसलिए बोले अन्याभिलाषिता शून्यम, जितने दूसरे अभिलाष है प्रभु की सेवा के बगैर सारे अभिलाष को त्याग देने चाहिए। बोले फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कद ज्ञान और कर्म को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए है। कद उसमें जो धूल है वो धूल क्या है? महाप्रभु जो धूल हटाए, बोले वो धूल क्या है? बोले धूल है कर्म वासना। कर्म वासना मतलब साधारण लोग क्या चाहते हैं, जगत में हम दान पुण्य करेंगे और दान पुण्य करके क्या होगा, स्वर्ग जाएंगे हैं। स्वर्ग में रंभा उर्वशी मेनका बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वहां पर खूब अमृत पान करें, खूब मौज करेंगे हैं। ये कर्म अच्छे कर्म करके ये जगत में खूब धन दौलत हमें मिलेगा, और जब तक इस दुनिया में हम रहेंगे तब तक क्या करेंगे, बोले खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे मस्ती करेंगे। कहते ये कर्म है नहीं, हम यहाँ मस्ती नहीं, हम मस्ती करो मस्ती करो, लेकिन हर चीज भगवान की सेवा के लिए करके करो। हम कहते ना हम इसी जगत में हर समय हम पार्टी में जाना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले पार्टी में तीन काम होता है, डांसिंग ईटिंग और सिंगिंग, ये तीन चीज होता है पार्टी में। कहते कभी कभी क्यों पार्टी करो, रोज रोज पार्टी करो ना। बोले रोज रोज पार्टी करो, सिंगिंग गाओगे ना भगवान का कीर्तन होगा, डांसिंग नाचोगे ना भगवान का कीर्तन में नाचो, ईटिंग खाओगे ना रोज रोज बढ़िया बढ़िया पिज्जा पास्ता हैं रोज रोज बनाओ, बढ़िया बढ़िया सोयाबीन रोज बनाओ, बढ़िया बढ़िया प्रसाद केक हैं रोज रोज बनाओ, ठाकुर को अर्पण करो रोज रोज खाओ। कभी कभी क्यों पार्टी करोगे, रोज रोज पार्टी होनी चाहिए। इसलिए भगवान के मंदिर में भक्त लोग रोज रोज पार्टी करते हैं। अभी हमारे रोज रोज पार्टी हो रहा है रोज रोज पार्टी हो रही है। इसलिए इसलिए कहते कर्म है, कर्म मतलब होता है ये पुण्य कर्म करके विषय भोग करने का जो वृत्ति, कहते ये चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। करो लेकिन हर चीज अगर भगवान की उद्देश्य में कर रहे हो फिर तो ठीक है। भले पहले ये हृदय से निकालो, उसको बाद में फिर ज्ञान, भले ये उसमें अंदर में पहले धूल को निकाल दिया, धूल निकाल दिया तो रह गया फिर कंकड़ रह गया, पत्थर रह गया छोटे छोटे, बोले वो क्या है, बोले उसको भी फेंक निकालो। बोले उसको है, कोई कोई व्यक्ति क्या चाहते हैं, हम तो जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए हम मुक्त हो जाएंगे है, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो मुक्ति क्या प्राप्त करेंगे, जाग करके जब तक इस जगत में जन्म ग्रहण करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भैतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक भोगना पड़ेगा कष्ट। इसलिए क्या करो, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। इसलिए बांस रहेगा तब तो बंसुरी बजेगा, मतलब जगत में जन्म लेंगे तभी तो दुख कष्ट वो करना पड़ेगा। फिर क्या करो, ये ज्योति को हाँ
कहते आत्मा को एकदम परमात्मा में जाकर के लीन करा दो, ब्रह्म ज्योति में अपने आप को उसमें लीन करा दो। हैं, जब लीन करा देंगे फिर तो फिर जगत में जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु ही नहीं होगा, फिर तो चिरकाल के लिए ब्रह्म ज्योति में ही अपने आप को समा जाएंगे। इसलिए कहते भैया नहीं, ये चीज रहेगा ना फिर भक्ति तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए भागवत में बताया धर्म प्रजीत कैतव अत्र, ये कपट है, ये कपट है, मुक्ति कामी कपट है। बोले कपट क्यों है, कारण क्या कपट का? बोले कपट इसलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य सेवक है। कहते भगवान की सेवा को छोड़ करके और जितने सारे कपट है, बोले क्यों उसमें लीन हो जाना चाहते, मुक्ति पाना चाहते हो? बोले संसार में रहने पर दुख कष्ट होगा, इसलिए हम जाकर ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को खत्म कर। बोले नहीं, ये भक्ति नहीं, भक्ति वो है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं प्रभु कीट जन्म हाओ प्रभु जथा तो आदास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही आस निवेदन करी प्रभु तुम्हार चरणी अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षणी। भक्तिमान ठाकुर प्रार्थना करते बोले प्रभु भक्तों का भावना किया, हमें कहीं भी तुम्हारी जन्म हो, नरक में भी क्यों कहीं जन्म नहीं हो, जैसे वहां भी साधुओं का संग मिले, तुम्हारी कथा सुनने को मिले, तुम्हारी सेवा हमें मिले, कहीं भी तुम जन्म दो हर समय भक्तों का संग मिलते रहे, हरी कथा मिलते रहे, तुम्हारी सेवा हमें मिलते रहे, ये भक्तों का भावना। इसलिए कहते हैं नजत्र वैकुंठ कथा सुधाप का, कहते अगर वैकुंठ लोग क्यों नहीं हो, वो देव लोग क्यों नहीं हो, जहाँ तुम्हारी कथा नहीं, कीर्तन नहीं, जन्मोत्सव नहीं, कहते सुरेश लोग को भी 90 से बता, कहते वो देव लोग होने पर भी हमें वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, वहीं जन्म दो जहाँ तुम्हारी कीर्तन कथा भजन पूजा पाठ होता है, वहीं जन्म दो। इसलिए कहते हैं ये जो कंकड़ हैं हृदय में, हाँ मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन रूप गोस्वामी श्री भागवत में कहते हैं तत्व पतंती अध अनादृत जुस्मद अंग्रह, लेकिन वो लोग बहुत उच्च पद पाने पर भी ज्ञानी लोग, लेकिन उनको भी पतन हो जाता है। बोले क्यों पतन होता है? कारण है वो भगवान की सेवा को, भगवान के चरण को उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, भगवत चरण को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। ठाकुर को सेवा हमें नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, इसलिए उनको पतन होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं है? पतन क्या? फल डाउन होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भुक्ति मुक्ति पिशाची हृदय जावत, जब तक हृदय साधक के हृदय में भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब होता है भोग की वासना, मुक्ति मतलब होता है लिबरेशन है, जब तक ये वासना रहेगा ना कहते उसका हृदय में ये भक्ति, कभी इसके हृदय में ये भक्ति प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसलिए ये भुक्ति मुक्ति वासना को हमें त्याग देनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, जितने कंकड़ थे ना निकालो, सबको निकालो है, उसको बाद में महाप्रभु पानी मंगाए, बोले पानी ला, पानी लाए, जब पानी लाए पानी दे दे करके अच्छे तरह से मंदिर को, पहले आप गुंडीचा मंदिर गए हैं कि नहीं? हाँ, पहले जो जगन्नाथ जी जहाँ पर बैठते ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तीन उनके सिंहासन है, पहले तीनों सिंहासन को उन्होंने पानी दे करके, तीनों सिंहासन को उन्होंने साफ सुथरा किया, फिर उसको बाद में अब गए होंगे जगमोहन है, जगमोहन मतलब जैसे जगन्नाथ जी उधर है ना, फिर उसको सामने जो नाट मंदिर होता है, पहले उन्होंने उसको उसको भी उन्होंने अच्छे तरह से पानी दे करके, फिर उसको भी अच्छे तरह से उन्होंने धुलाया है, उसको धुला करके फिर मंदिर का जो चारों तरफ है, गए होंगे चारों तरफ को झाड़ू दे करके पानी से धुलाया। इतना नहीं, जो मंदिर है एक साल से साफ सुथरा नहीं होता है, उन्होंने पानी को ऐसे फेंक फेंक करके ऊपर से खपरा से पानी फेंक फेंक करके उन्होंने सब मंदिर को अच्छे तरह से उन्होंने धुलाया, सारे मंदिर को उन्होंने अच्छे तरह से धुलाया। उन्होंने धो करके फिर क्या किया, जब उन्होंने धुलाया फिर भले धुआ क्यों, पहले तो धूल को निकाले,
कंकड़ों को निकाल, फिर उसको धोया क्यों? बोले इसका मतलब है भक्ति का जो डेफिनेशन है बताया, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरे अभिलाष नहीं हो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्मों को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। कहते यही क्या भक्ति है? कहते क्या भक्ति इसको कहते? नहीं, बोले भक्ति इसको नहीं कहते। कहते ये उनकी बाहर लक्षण है, भक्ति की एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण है, भक्ति की दो लक्षण है। कहते ये जो चीज है तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण मतलब होता है केवल गंदी चीज को निकाल दिया, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कहते हैं भगवान की सुख कैसे हो, ये चीज को निकाल दिया, अच्छी चीज बात, ये चीज को तो निकाल दो, इसको निकाले बगैर भक्ति नहीं होगा। लेकिन निकाल तो दिया, लेकिन उसमें कुछ भरनी तो चाहिए ना, उसमें कुछ भरनी चाहिए। बोले क्या भरनी चाहिए? बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा, भक्ति उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर भगवान खुश हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो काम भक्ति कहते हैं। मतलब गंदी चीज को निकाल दिया, निकाल कर फिर क्या करो? ठाकुर की सेवा करो, उनका पूजा करो, उनको भोग लगाओ, ठाकुर का श्रृंगार करो, ठाकुर जी को हैं सुंदर रूप में डेकोरेशन करो। हाँ अभी तो उनका सेवा करना पड़ेगा ना, कहते तो उसी तरह इस चीज को निकाल दिया तो। लेकिन निकाल करके फिर क्या किया? पानी लाओ, पानी लाओ, पानी ला करके उसको धो, हाँ उसको धो, पानी लाओ मतलब धो, मतलब पानी से कोई चीज जब धोते हो ना वो जगह फिर शीतल हो जाता है। कहते हृदय काम क्रोध को तो निकाल दिया, लेकिन उससे हृदय शीतल नहीं होगा। शीतल कैसे होगा? जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति, उनकी सेवा करोगे, तभी ये आत्मा को तभी शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने अच्छे तरह से पानी से धो दिया, मतलब हृदय ठंडा हो गया। भक्ति से हृदय ठंडा हो जाता है, प्रभु की भक्ति से ठंडा हो गया। लेकिन अभी उन्होंने देखा, समझ रहे? हाँ, फिर उन्होंने देखा थोड़ी थोड़ी कहीं दाग है, थोड़ी थोड़ी कहीं स्पॉट है। फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपना कपड़ा लाया और कपड़ा ला करके ना उसको घिस घिस करके, वो जो दाग था ना उसको घिस घिस करके उन्होंने निकाले। कहते वो दाग क्या है, जिस चीज को महाप्रभु निकाले। इसलिए पहले तो ज्ञान कर्म को निकाल दिया, धो दिया। कहते दाग मतलब होता है कभी कभी जीव का हृदय में है वो दाग को, ये बताए कभी कभी जीव का हृदय में चार तरह का मुक्ति है, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और साजुज्य, सामीप्य और साजुज्य। हाँ, चार तरह का, और एक तरह का मुक्ति, पांच तरह का मुक्ति है। कितना तरह का मुक्ति? पांच तरह का मुक्ति है। कहते साजुज्य मतलब होता है भगवान को साथ में मिल जाना। हाँ, इसको तो भक्त लोग चाहते नहीं है। कभी कभी चार तरह का मुक्ति, वैकुंठ का चार तरह का मुक्ति भक्त कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं। कहते सारूप्य मतलब भगवान का निकट में वास करना है। इसलिए कहते हैं साष्टी, साष्टी मतलब भगवान की बराबर ऐश्वर्य प्राप्त करना है। इसलिए सालोक्य मतलब भगवान का लोक में निवास करना। कहते कभी कभी चार तरह का मुक्ति को तो भक्त ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो साजुज्य और जो भगवान की साथ में मिल जाना, भक्त इस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। कहते उसको तो ग्रहण नहीं करते, जो चार तरह का जो मुक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। कहते भैया ये चीज को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके तुम्हें भगवान की शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ तक जाना? अगर गोलोक वृंदावन जाना, श्री जुगल सरकार की सेवा प्राप्त करना, तो कहते ये चार तरह का मुक्ति भी तुम्हें त्याग देना पड़ेगा, है तभी तुम वहां पर जा सकते हो। फिर वहां पर बताए जो कंकड़ को जो साफ कर दिया, फिर वो और क्या क्या चीज प्रभुपाद बताए वहां पर, कुटी नाटी, कुटी नाटी हृदय से छोड़ना पड़ेगा। बोले कुटी नाटी क्या है? बोले कुटी नाटी मतलब कु मतलब होते खराब है ना, मतलब नहीं। इसलिए हृदय में जो कपट चीज त्याग देना पड़ेगा है। कपट मतलब क्या है? ऊपर तो अपनी आप का हम एक तरह से दिखाते हैं,
लेकिन अंदर में देखो ना दूसरा तरह के, ऊपर में एक तरह का और बाहर एक तरह का, इसको कहते हैं कपटता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अंतर बाहरी सम व्यवहार अमानी मानद हब है। इसलिए हमें हमको ऊपर में जैसे दिखने में हम दिखाते हैं, अंदर में भी तुम्हें ऐसे ही होना पड़ेगा, तभी तो महाप्रभु को पसंद है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कपटता गंदी चीज, मतलब करोड़ों करोड़ पशु पक्षी जीवन में जाना सही है, लेकिन कभी कपटता आश्रय ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कपटता ये गंदी चीज है, ऊपर एक मत दिखाओ और अंदर में और कोई चीज को सोचो नहीं, ये चीज हृदय को हमें साफ रखनी चाहिए। कुटी नाटी उसको बाद में कहते निषिद्धाचार, निषिद्धाचार मतलब क्या, बोले जो जिसमें जो चार जो कली का जो स्थान है ना, वो चार चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। दुतम जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पानम किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, स्त्रियम अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, चौथा है जीव हिंसा मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। कहते कुट्टी नाटी निषिद्धाचार है, इसलिए फिर जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब साधारण रूप में जीव हिंसा होता है, जैसे मांस मछली आदि खाना है जीव हिंसा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जीव हिंसा, जीव हिंसा उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करना, इसको भी जीव हिंसा कहते हैं, समझ रहे हो। शुद्ध भक्ति को जो प्रचार नहीं करके हैं, क्या करते हैं जीव का मनमानी। हमारे भारत में कुछ कुछ ऐसे लोग धर्म हैं, अरे जो कुछ खाना खाओ, मांस मछली खूब खाओ, अरे सोने से पहले एक बार भगवान को प्रणाम करके सो जाओ, नहीं तो दिन में एक बार केवल भगवान का नाम ले लो, और जो कुछ करना सारे गंदे काम करो हैं। इसलिए कहते इसको कहते जीव हिंसा। और आउल बाउल नेड़ा नेड़ी धरबेसाई सखी भेकी स्मार्त जात गोसाई जितने सब अपसंप्रदाय हैं, हैं ये लोग जीव की मनमानी, तुम जैसा अरे मन जो चाहता है, बंगाल में कुछ धर्म है बोले आत्मा जो चाहता है उसको देनी चाहिए। आत्मा क्या चाहता है, बोले मांस खाना चाहते हैं बोले खिलाओ, आत्मा शराब पीना चाहते उसको शराब पिलाओ, आत्मा गंध चले ये आत्मा को कष्ट मत दिया करो। उनको पता नहीं आत्मा और मन में कोई फर्क, उनको पता नहीं मन अलग है और आत्मा अलग चीज है। आत्मा का धर्म तो केवल परमात्मा की सेवा करना, लेकिन वो कहती मन जो चाहता है ना, वो मन को ही आत्मा कहते हैं, मन जो चाहता है ये काम नहीं तो मन को कष्ट होगा है। इसलिए कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब शुद्ध भक्ति की प्रचार नहीं करके जो विद्या भक्ति प्रचार करना है, यही जीव हिंसा। फिर बोले प्रतिष्ठा, कहते प्रतिष्ठा को त्याग देनी चाहिए है। इसलिए प्रतिष्ठा किया बोले निर्जन भजन, कोई कोई हमारे भारत में सब चीज हम अकेले में जाकर कहीं भजन करेंगे है, इसलिए बोलेंगे दुनिया को हम कुछ नहीं खाते, केवल फलाहारी, केवल दूधहार करता हूँ, फलाहार करता हूँ और कोई चीज को ग्रहण नहीं करता हूँ, अकेला में जा करके नाम जप करके सारा दुनिया मेरे को बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा साधु है, लोगों को ठग करके लोग से प्रतिष्ठा ग्रहण करना। इसलिए कहते हैं ये सब चीज को त्याग देनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उच्च स्वरे कर हरि नाम रब नामे रे प्रभावे स्मरण हैवे से काले निर्जन भजन संभव। निर्जन भजन के लिए तो चले गए, लेकिन मन को कहाँ छोड़ोगे, मन तो साथ में जाएगा ना है, मन तो स्वसाथ में जाएगा। इसलिए क्या करो, प्रभुपाद कहते हैं उच्च स्वरे कर हरि नाम रब, जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए कहते ये सब चीज को हृदय से निकाल देनी चाहिए, तभी जा करके भगवान हमारी हृदय में आकर के भगवान का निवास हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु सब भक्तों को लेकर के मंदिर गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, लेकिन जो मार्जन कर रहे थे कैसे कर रहे थे, करते समय
मुंह में कीर्तन कर रहे थे, हैं, मुंह में कीर्तन कर रहे थे। इसका मतलब शिक्षा देते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हरि नामाश्रय करी जतन तुमी थाकह आपन काज, हैं, उदिल अरुण पूर्व भागे दिज मणिगोरा अमनी जागे। इसका मतलब है जो कुछ करते हो ठाकुर का सेवा मान कर करो हाथों में, और मुंह में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से हरि नाम कीर्तन करो। क्योंकि कलियुग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, कलियुग में जितना जो कुछ भक्ति का अंग जाजन करोगे, जितने भक्ति का अंग जाजन करोगे, उसको साथ में ये हरिनाम संकीर्तन को जोड़ कर करनी चाहिए, तभी तो वो भक्ति पूर्ण फल प्रदान करेगा। अगर भगवान की नाम को छोड़ करके कलियुग में और कोई भक्ति की भी करो, कह तो फल नहीं देगा। तभी फल देगा जब नाम को साथ भक्ति जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो कोई फल नहीं देगा। इसलिए हर चीज में क्या करो, भगवान के नाम को जोड़ो। घर में झाड़ू लगा रहे हो जैसे गोपियां, इसलिए गुरुदेव कहती थी, गुरुदेव कहते थे गोपियां तो गृहस्थ थे, वो थोड़ी कोई साधु थे, लेकिन हाथों में जैसे झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इधर कीर्तन क्या करते थे, बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, हे कृष्ण हे जा दब हे सखेती, गोविंद दामो दर माधवेती। बच्चे को थपथप लगा करके सुला रही हैं बच्चे को, लेकिन मुंह में क्या बोल रही हैं, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। खाना बना रही हैं, हैं, इसे छोंक देते हैं ना, जैसे तेल में छोंक देते हैं, देखना जीरा दो लंका मिर्च दो, वो एकदम काला हो जाता है, लेकिन वो काले चीज को देख कर किसको याद आता है, काले को याद आता है, इसे कृष्ण की याद आता है। बस उस देख करके क्या बोलती हैं, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। इसलिए हर काम में क्या कर, भगवान के नाम को जोड़ दो, हैं, जोड़ दो। इसलिए महाप्रभु जब सेवा कर रहे थे, हैं, जैसे किसको पात्र दे रहे, बोले लो ऐसे नहीं, बोले हरे कृष्णा, नहीं तो कृष्ण कृष्ण, हैं, पात्र दे रहे कृष्ण कृष्ण, किसको बुला रहे हरे कृष्ण, मतलब इधर आओ नहीं, क्या है हरे कृष्ण, हैं। अगर कोई चीज को कोई चीज मांग रहे, भाई झाड़ू दो, बोले हरे कृष्ण। महाप्रभु जो कुछ काम कर रहे थे, हर काम सेवा में वो कृष्ण नाम को जोड़ रहे थे, मतलब सिखा देते हैं हर चीज में कृष्ण नाम को जोड़ दो। अभी क्या हुआ, जब कोई मंदिर साफ कर रहे थे, कोई कोई तो अच्छे तरह से साफ कर रहे थे, और कोई कोई कामचोर होते हैं ना, कामचोर समझते हो, कोई कोई काम चोर होते हैं, लेजी होते हैं, वो काम ठीक से करना नहीं चाहते, उसको काम चोर कहते हैं। इसलिए कोई कोई तो सेवा कर रहे थे ठीक से, लोग कोई 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 साफ नहीं कर रहे थे ठीक से। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु उसको मीठी मीठी, कोई कठोर वाणी से नहीं, ए क्या कर रहे हो, साफ क्यों नहीं कर रहे हो ठीक से, ठीक से ऐसे नहीं, बड़ी मीठी मीठी वचन से उनको समझा करके, नहीं तुम अच्छे तरह से सेवा करो, ठीक से क्यों सेवा नहीं कर रहे हो, अच्छे तरह से सेवा करनी चाहिए। मतलब जो ठीक ठीक से हृदय रूपी मंदिर को साफ नहीं करते हैं, महाप्रभु कठोर वाणी से नहीं, महाप्रभु मीठी बोली से, महाप्रभु मीठी मीठी बोली से उसको समझाया करते थे, बेटा हृदय को साफ करो, जब तक हृदय को साफ नहीं करोगे ठाकुर हृदय में कैसे बैठेंगे, इसलिए हृदय को अच्छे तरह से साफ करो हृदय को। इसलिए महाप्रभु उसको शिक्षा दे रहे थे। अभी जो अच्छे तरह से साफ कर रहा था मंदिर को, एकदम सिनिशियर रूप में बढ़िया से साफ कर रहे थे, महापुरुष खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे उसके बारे में, खुश हो करके बोले तू आज बहुत सुंदर मंदिर साफ कर रहे हो, हैं, इसलिए तुम अच्छे तरह से करो,
दूसरों को भी अच्छे तरह से सिखा दो। बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या? बोले मतलब है जो व्यक्ति सही सही भगवान की भक्ति करते हैं, संख्या पूर्व का नाम करते हैं, हैं? अपना नाम को ठीक से करते हैं, संख्या पूर्व का नाम गान रोज भगवान की कुछ कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तव करते हैं, हैं? संख्या पूर्व का नाम गान नति भी कालावसान कृतो, जो अच्छे तरह से एकदम सिंसियर होकर के भगवान की भक्ति और भजन करते थे। बोले देखो तुम बहुत अच्छे तरह से मंदिर साफ कर रहे हो, दूसरों को भी सिखा दो, दूसरों को भी सिखा दो। बोले इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है तुम अच्छे तरह से हृदय को साफ कर रहे हो, इसलिए दूसरों को भी बोलो हृदय साफ करने के लिए, दूसरों को भी शिक्षा प्रदान करो, तुम भी भगवान के भजन करो। भगवान के भजन में बड़ा आनंद है, बड़ा शांति है भगवान के भजन में, इसलिए तुम भी दूसरों को प्रचार करो, भगवान की प्रचार करो। मतलब है कहते स्वयं पहले अपना जीवन में आचरण करनी चाहिए, अपना जीवन में नाम कीर्तन भजन, जो जितने अच्छे तरह से भजन कर भक्ति करेगा ना उसका अंदर में उतना आत्मशक्ति आती है, हैं? उतना शक्ति आती है। जब तक तो स्वयं कोई भक्ति नहीं करेगा फिर दूसरों को आप प्रेरणा नहीं कर सकते हो, फिर आपका मुंह से वो बोली नहीं निकलेगा। जितना आपके अंदर में प्योरिटी होगी ना उतना ही आप दूसरों को प्रभावशाली कर सकते हो, हैं? प्रभावशाली। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसलिए 12 साल तक उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम किया, 3-3 लाख हरिनाम। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी, श्री हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर भी, ऐसे ऐसे 3-3 कर उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम पहले किया, हैं? इसलिए जो जितने अच्छे तरह से भजन भक्ति करते हैं वो दूसरों को भी उसमें अनुप्रेरणा कर सकते हैं, उसमें भजन की उसको उपदेश दे सकते हैं। इसलिए बोले तुम भी दूसरों को शिक्षा प्रदान करो, हैं? इसलिए अभी जो ठीक ठीक से नहीं कर रहा था, मंदिर सही सही साफ नहीं कर रहा था, बोले देखो तेरे से हम, अगर मंदिर ठीक ठीक से तुम साफ नहीं कर रहे हो ना तेरे को दंड देंगे हम, हैं? बोले क्या दंड देंगे? बोले भक्ति जगत में जो दंड भी है ना बड़ा अच्छा है, भक्ति जगत में दंड भी बहुत अच्छी चीज है। बोले क्या दंड? बोले सब भक्तों को फीस्ट खिलाना पड़ेगा, सब भक्तों को पीठा बना खिला, उधर पीठा बना है, हैं? पीठा बना उधर है, एक केक जैसे तुम्हारा केक बनाते हो ना उस तरफ बंगाल की तरफ में पीठा बना है। बोले सब भक्तों को तुमको पीठा बना खिलाना पड़ेगा, सब केक खिलाना पड़ेगा, सबको फीस्ट दो सबको। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं, मतलब है जिसका भजन सही सही नहीं हो रहा है, हैं? जिनका भजन में जिनका मन नहीं लग रहा है उनको क्या करनी चाहिए? बोले भक्तों को फीस खिलाओ। क्यों? अभी जिस परिश्रम से तुम पैसा कमा रहे हो, हाँ हमें भजन तो सही नहीं हो रहा है क्योंकि पूर्व जन्म का ऐसा हमने अच्छे कोई कर्म नहीं किया, अच्छे सुकृति नहीं, भजन नहीं हो रहा है, सुकृति के अभाव से भजन नहीं हो रहा है, फिर तुमको फिर क्या करनी चाहिए? बोले जो जो परिश्रम से तुम पैसा कमा रहे हो अगर वो पैसा गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा में अगर लग जाता है फिर तुम्हारी सुकृति बढ़ेगी, सुकृति बढ़ेगी तो फिर आगे जाकर भजन होगा। इसलिए महाप्रभु ने विशेष करके 2 उपदेश दिया है भक्तों को, कहते वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन, 2 का रस शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण। बोले अगर कृष्ण चरण को शीघ्र प्राप्त करना चाहे तो 2 काम करो, एक तो भक्तों का सेवा करो, हैं? भक्तों का सेवा करो, क्योंकि जिस पैसा से तुमने इतना एनर्जी लगाया वो पैसा जब भक्तों की सेवा में लगेगा फिर जा करके ठाकुर की सेवा में आशीर्वाद मिलेगा, फिर तुम्हारे हृदय में धीरे 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 हृदय अपने आप तुम्हारी परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी तुम्हारी सुकृति इतना पुष्ट नहीं, इसलिए मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा है, हैं? इसलिए गुरुदेव एक छोटी कथा सुनाया करते थे। बोले कोई एक साधु एक गांव में रोज भिक्षा के लिए जाता था, लेकिन एक बूढ़ी माता जी बड़ी कंजूसी, कंजूसी जानते हो, बड़ी माइजर, बहु कृपण, एक भी पैसा उसने भगवान की सेवा में साधु सेवा में एक पैसा नहीं निकलता था, रोज साधु को गाली देता था। बोले कोई काम धाम है नहीं, घर में आ जाता है भीख मांगने के लिए, हाँ रोज गाली देता था। एक दिन गांव है ना, हैं,
सुरीनाम में तुम लोग रहे होंगे, गांव अभी तो सब, पहले क्या होता था गोबर और मिट्टी है में पानी करके उसके अंदर कपड़े रख के रखे, वो कपड़े को डुबो करके घर को पोता लगाते थे, पानी गोबर मिट्टी से घर को हाँ ऐसे पहले लगता था। वो सवेरे सवेरे घर को पोत रही थी, इतने में साधु बाबा पहुंच गए, बोले माता जी कुछ भिक्षा दो। बोले दारी के हैं सवेरे सवेरे आ गया भीख मांगने के लिए, बोले भिक्षा लगे ले। वो जो कपड़ा था ना मिट्टी और गोबर से उठाया और साधु को ऊपर मारा, लेकिन साधु तो बड़े दयालु थे, बोले अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रहा था, आज तक कम से कम कुछ दे दिया। उन्होंने उसको ले करके अच्छे तरह से नदी में, अच्छे तरह से उन्होंने नदी में उसको धोया, धो करके उसको धूप में सुखाया, सुखा करके उसको बत्ती बनाया, बत्ती बना करके घी में डुबाया और शाम को ठाकुर जी का आरती देखा। बोले ठाकुर जी आप इनके ऊपर थोड़ा कृपा करो, क्योंकि जो कपड़ा है ना वो माता जी ने वैसे तो कुछ देती नहीं, आज कम से कम ये कपड़ा तो दे दिया, आज तुम्हारी आरती उतार रहा हूँ, आप उनकी थोड़ा कल्याण करो। जो उन्हें आरती उतारते हुए बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलना, आरती कराए ललिता दि सखी गहना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर सिखी पुछ चूड़ा मनोहर, ललित माधव वामी वृषभानु कन्या, नील वसना गौरी रूपे गुने धन्या, नाना विध अलंकार करे जल मल, हरि मन विमोहना बदन उज्ज्वल, विशाखा दि सखी गयन नाना राग गाय, प्रिय नर्म सखी जत चामर ढुलाय, श्री राधा माधव पद सरसी जयासे, भक्ति विनोद सखी पद सुखे वासे। जब उन्होंने आरती ठाकुर को उतारा ना, जब ठाकुर को सेवा में उसका कपड़ा लग गया, उसका जो हृदय था ना, इतना दिन से उसका हृदय कठोर था, भगवत भजन की भक्ति की भावना नहीं आती थी, लेकिन जब उसका वस्तु ठाकुर को सेवा में लग गया, हृदय उसको अपने आप बदल गया, अपने आप उसका हृदय बदल गया। हाय रे, मैं साधु का सेवा तो कभी किया ही नहीं, साधु बाबा मेरे घर में भिक्षा लेने आते थे, मैंने तो भिक्षा दिया ही नहीं, और गोबर और मिट्टी से पोते हुए कपड़ा मैंने फेंक मारा, मैंने गलती किया, जब साधु बाबा कल आएंगे ना माफी मांगूंगा हैं और सेवा करूंगा। वो साधु रोज आते हैं गांव में, रोज तो गाली देती थी, लेकिन आज जब देखा साधु आ रहे हैं गांव में दूर में, बोले साधु बाबा आज मेरे घर में भी आना। बोले आज इसको क्या हो गया, ये तो रोज गाली देती थी, अब ये घर में क्यों बुला रहे हैं। तो साधु बाबा जब आए उनको आसन दे करके बैठाया हैं, आसन दे करके बैठाया उनको, फिर उनको प्रणाम किया, उनने माफी मांगा हैं, माफी मांगा उनको, फिर उनको उन्होंने भिक्षा प्रदान किया है, भिक्षा उनको प्रदान किया। ऐसे ही इसलिए महाप्रभु कहते हैं दो काम करना, क्या, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दोनों काम करने से शीघ्र शीघ्र तुमको संसार बंधन से मुक्ति हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोले तुमको दंड देंगे, बोले क्या दंड, भक्तों को फीस्ट खिलाओ, भक्तों को जो फीस्ट खिलाओगे क्या होगा, भक्तों का हृदय में भगवान का निवास, जब हम वैष्णव सेवा करेंगे हमारे कुछ वस्तु लगेगा, फिर क्या हमारे सुकृति बनेगी, सुकृति बनेगा तो धीरे 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 भक्ति में हम धीरे 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 बढ़ेंगे धीरे धीरे। इसलिए महाप्रभु दंड दिया, दंड दे करके और जो मंदिर साफ कर रहे थे, महाप्रभु ने कहा देखो कौन कितना मंदिर साफ किया है, पता कैसे चलेगा तुमने बढ़िया से किया कि बढ़िया से नहीं किया, कितने तुमने धूल इकट्ठे किए हो, जैसे मंदिर साफ करते हैं ना, कितने तुमने धूल इकट्ठे किए हो उसको देखने से पता चले जाएगा तुमने कैसे मंदिर को साफ किया। सबका धूल इकट्ठे करो हैं, उन्होंने सबका धूल को इकट्ठे किया, सबका जब धूल को इकट्ठे किया, देखा जितने भक्त मंदिर साफ कर रहे थे सबका धूल इकट्ठे करके जितना हुआ, महाप्रभु का धूल को जब इकट्ठा किया उससे ज्यादा महाप्रभु का धूल हुआ है, मतलब महाप्रभु ऐसे मंदिर साफ की सबके सब मिल करके जितने साफ नहीं कर पाए महाप्रभु उससे ज्यादा उन्होंने मंदिर को साफ किया है। बोले इसका मतलब क्या है, कहते अकेले महाप्रभु
है, और उस दूसरे तरफ में सारे भक्त है, कितने भक्त महाप्रभु का, कहते महाप्रभु क्या इतना साफ किया, महाप्रभु का धूल इतना सबसे ज्यादा हो गया। बोले इसका तात्पर्य क्या, बोले तात्पर्य है महाप्रभु को किस भाव से महाप्रभु साफ कर रहे हैं। बोले महाप्रभु श्री राधा रानी की भाव से साफ कर रहे थे, हैं श्री श्याम सुंदर आकर के सिंहासन में बैठेंगे, अभी श्याम सुंदर के लिए मैं ये मंदिर साफ कर रही हूँ, राधा रानी की राधा भाव से सेवा कर रहे थे, हैं इसलिए। और जितने भक्त लोग अपना अपना भाव से सेवा कर रहे थे, अपना अपना भाव से सेवा कर रहे थे, लेकिन महापुरुष राधा भाव से सेवा कर रहे थे। अभी राधा रानी जितने कृष्ण को सेवा कर सकती हैं, जितने इतना थोड़ी कोई कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते इतना कोई है, इसलिए उनका नाम राधा, राधा मतलब किया। बोले अनयाराधित नुनम भगवान हरिश्वर है, इसलिए जिस समय कृष्ण रास इसका बीच से अंतर ध्यान हो गए, रास से अंतर ध्यान हो गए, अभी गोपियां तो एकदम जैसे कोई हाथी, हाथीनी को छोड़ देने पर जैसे हाथीनिया एकदम पागलिन हो जाते हैं, ऐसे ही गोपियां तो कृष्ण विरह में पागलिन हो गई और ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ, लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे हैं, इसलिए कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। इतने में उनने तुलसी कल्याणी को देखा, बोले तुलसी तुमने कहीं श्याम सुंदर के देखे हो, लेकिन तुलसी कुछ बोली नहीं। बोली क्यों बोलेगी, स्त्री है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती, डाह होती है, इसलिए बोल नहीं रहे। देखा मालती बड़े सुंदर फूल खिले हुए, बोले लगता है जरूर कृष्ण इसको स्पर्श किए है, तभी तो इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बोले तुमने कहीं कृष्ण को देखो, वो भी कुछ बोले नहीं है। फिर पृथ्वी को देखा, बोले पृथ्वी तू तो सर्वत्र हो है, पृथ्वी तू तो सर्वत्र हो, इसे तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहाँ गए। हठात उन्होंने कृष्ण का दो चरण देखा, और सबके सब गोपियां कृष्ण चरण सेवा करती हैं, वो पहचान ही गई तो कृष्ण का चरण चिन्ह। लेकिन जब थोड़ी दूर गए, देखा कृष्ण के दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी प्यारी किसी की चरण है, हाँ छोटी सी चरण। उस चीज को देख करके सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों, बोले उनका तीन तरह का सखियाँ हैं, एक है तटस्थ, एक है उनकी है कहते स्वपक्ष, एक विपक्ष है। अभी जो विपक्ष गोपियां हैं जो कृष्ण की केवल सेवा, जो चंद्रावली का दल का जो, वो तो राधा जी की चरण की सेवा नहीं करती हैं, इसलिए उनको पता नहीं राधा जी के चरण में क्या चिन्ह है। लेकिन जो राधा पक्षीय जो गोपियां हैं जो राधा जी की चरण की सेवा करते हैं, उनको पता है राधा जी की चरण में क्या क्या चिन्ह। श्री सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने ये चीज को देखा, सुखदेव कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाय, राधा रानी का प्रिया सुख है, इसलिए राधा जी की चरण सेवा करती है, इसलिए उसको पता राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह। सुखदेव गोस्वामी इसको देख करके बोले अनयाराधित नुनम, बोले यद्यपि यहाँ पर सब गोपियां थी, सब तटस्थ विपक्ष स्वपक्ष सब सब थी, लेकिन इस सब रहते हुए कृष्ण अकेले किसको लेकर गए, केवल इनको ही अकेले लेकर गया, मतलब जितने गोपियों में यही गोपी ही सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण को आराधना की, इसलिए कृष्ण सबको त्याग दे करके अकेले इनको लेकर गए। मतलब यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जो श्लोक है ना, जैसे दो दल में लड़ाई हो, जो जल जीत जाता है वो क्या करता है, शंख बजाता है, बोले हमारा विजय प्राप्ति हुई, हमारी विजय प्राप्ति हुई है। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को द्वारा अपना जय घोष करते हैं, जय घोष क्या करते हैं, सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है, जो कृष्ण को आराधना करने वाली वो कौन है, श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण को आनंद देने वाले कौन, राधा रानी। इसलिए जब सब गोपियां वहां पर थी, लेकिन जब राधा रानी चली गई क्या हुआ, रास खत्म, रास टूट गया, मतलब राधा रानी जैसे कृष्ण को सेवा कर सकती है, उनको आनंद दे सकती, और उतना आनंद कोई उनको दे नहीं सकती। इसलिए जब उन्हें धूल को इकट्ठा किया, देखा सबसे ज्यादा धूल किसका हुआ है, महाप्रभु का, मतलब है राधा रानी भाव से उन्होंने जैसे मंदिर को सेवा की है सर्वश्रेष्ठ, मतलब सभी मिल करके जितना साफ नहीं कर सकते, कृष्ण को आनंद नहीं दे सकते, उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में आनंद कौन दे सकती है,
श्रीमती राधा रानी दे सकती है। ललिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए महाप्रभु मंदिर को साफ किया, फिर उसके बाद में जाकर के वहां पास में एक नरसिंह रथ यात्रा में कभी गई हो? रथ यात्रा में अब लोग कभी गए नहीं। एक बार प्लानिंग बोला ना रथ यात्रा में आने के लिए, जैसे दूसरे अलग अलग समय पर एक बार रथ यात्रा में आओ, फिर गुंडीचा मंदिर मार्जन करोगे भक्तों को साथ में मिल करके, हैं फिर क्या क्या होता है ना महाप्रभु क्या क्या किया, फिर आप देखोगे हाँ ये मंदिर साफ करके से वहां पर गए, वहां पर जाकर के वहां पर कैसे साफ किया है महाप्रभु ने, फिर नरसिंह मंदिर को साफ किया, फिर उसको साफ करके फिर उन्होंने नरेंद्र सरोवर में गए, हैं इंद्रदुम्न सरोवर में गए, फिर सरोवर में महाप्रभु कैसे भक्तों को साथ में जल विहार किया, जल क्रीड किया, कैसे उन्होंने स्नान किया भक्तों को साथ में। इसलिए एक बार प्लानिंग बनाना रथ यात्रा में आने के लिए, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंचा कुलपति वैष्णव कृपा सिंधु भाई वचा पता नाम पावने भो वैष्णव नम नम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंद दे हरि हरि बोल। ले लो इसको। जय श्री श्री गुरु गौरांगधर विकास गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, सपरिकर गौर हरि की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, गुरुपाद पद्म की, गौर प्रेमानंद हरि हरि।